हेलो फ्रेंड्स, आज के शेड्यूल में हम लोग बनाएंगे सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिंकरकैड ओपन करिए। ये हमारा टिंकरकैड का टेक्स्ट कोड है। अब हम यहाँ पास कंपोनेंट सर्च करेंगे आर्डिनो। आर्डिनो को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसके बाद हम सर्च करेंगे एलडीआर फोटो रजिस्टर। हमने फोटो रजिस्टर ले लिया, दो फोटो रजिस्टर हम लोग ले लेंगे। इसको एलडीआर कहते हैं। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे ब्रेडबोर्ड। एक ब्रेडबोर्ड हमने ले लिया है और अब एक सर्वो मोटर लेंगे। सर्वो मोटर, ये हमारी सर्वो मोटर हो गई। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रेडबोर्ड पे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। 5 वोल्ट को हम लोग ब्रेडबोर्ड के रेड पिन से कनेक्ट कर देंगे। पिन से कनेक्ट किए इसको कर देते हैं रेड, और जीएनडी को हम लोग जीएनडी से ब्लैक पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। ब्लैक लाइन पे माइनस ये हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए ब्रेडबोर्ड पे हमने कनेक्ट किया इसलिए क्योंकि हमें मल्टीपल ऑफ पिन मिल जाएगी पॉजिटिव के। ये सारी पिन पॉजिटिव हो गई, ये सारी पिन नेगेटिव हो गई। अब हम लोग सर्वो मोटर को रोटेट करते हैं। अब एलडीआर का हम लोग कनेक्शन करेंगे। एलडीआर का कनेक्शन करने के लिए हम लोगों को रजिस्टर भी चाहिए। दो रजिस्टर चाहिए। कितने ओम का? 10 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए। हम इसको 10 कर देते हैं। अब देखिए एलडीआर में दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। किसी भी टर्मिनल पे पॉजिटिव कनेक्ट करिए, किसी भी टर्मिनल पे नेगेटिव। तो हम लोग पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं टर्मिनल पे, एक टर्मिनल पे। ये हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और यहाँ इसको रेड कर देते हैं। अब सेकेंड टर्मिनल में हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। रोटेट करते हैं रजिस्टर को। ये हमने रजिस्टर लिया और इस पिन को डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया। और सेकेंड टर्मिनल रजिस्टर का जो है वो जीएनडी से नेगेटिव पिन से कनेक्ट होगा। ये नेगेटिव पिन से कनेक्ट हो गया। अब देखिए इसी पिन पे टर्मिनल 1 पे ही हम लोग एनालॉग पिन पे भी कनेक्ट करेंगे, A0 पिन पे। A0 पिन एनालॉग पिन पे, एनालॉग पिन पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसी तरीके से इसको रेड कर देते हैं ताकि पता चले कि पॉजिटिव टर्मिनल है, आपको बनाने में आसानी रहे। अब सेकेंड एलडीआर का भी हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। एक टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। सेम प्रोसेस है दोनों का। और ये रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। रजिस्टर को रोटेट करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करिए, फिर रोटेट करिए इस पिन से। और ये हमने रजिस्टर लगा दिया सेकेंड पिन नेगेटिव में को ब्लैक। अब इसी टर्मिनल 2 को हम लोग एनालॉग पिन A1 पे कनेक्ट करेंगे। A1 पे इसके बाद हम लोग सर्ज को चेंज कर देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ सोलर पैनल। सोलर पैनल देखिए, ये सोलर पैनल जो हमने लिया है, आपको अगर हार्डवेयर कैसे कनेक्ट करना है हम आपको बता रहे हैं। एक एलडीआर इधर साइड कनेक्ट करना है यहाँ पास, और एक एलडीआर यहाँ पास कनेक्ट करना है। अब देखिए जीएनडी को, सर्वो मोटर की जीएनडी को हम लोग जीएनडी से कनेक्ट कर देंगे। जीएनडी को जीएनडी से, और इसके बाद सेकेंड पिन है हमारी पावर पिन। पावर पिन को हम लोग पावर से कनेक्ट कर देंगे, रेड पॉजिटिव को पॉजिटिव से। और देखिए आउटपुट पिन को हम लोग 9 पिन से कनेक्ट करेंगे क्योंकि कोड में हमने 9 पिन डिफाइन किया है। अगर कोई भी पिजो पिन डिफाइन करेंगे वो उस पर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा फुल कनेक्शन हो गया है, ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम लोग कोड सेक्शन पे जाएंगे और इसका कोड करेंगे। तो कोड पे क्लिक करिए, ब्लॉक को डिलीट करिए
और इस ब्लॉक्स में क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन में आ जाइए, कंटिन्यू करिए, और यहाँ पे कोड हमने कॉपी कर लिया है, कोड को हम पेस्ट करते हैं। ये हमने कोड को पेस्ट कर दिया, ये देखिए LDR1 A0 पे, LDR2 A1 पे और सर्वो पिन 9 पे, ये हमारा कनेक्शन हो गया है सारा। या कोड कोड की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से कोड कॉपी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट सिमुलेट करेंगे। देखिए जब LDR पे ब्राइटनेस आएगी, लाइट जैसे जैसे पड़ेगी वैसे वैसे सर्वो रोटेट होगी। यहाँ देखिए जैसे जैसे LDR की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखिए सर्वो रोटेट होगी। देखिए इसी तरीके से इस पे अगर लाइट पड़ेगी तो सोलर पैनल इधर का रोटेट होगा। अब हम आपको हार्डवेयर में दिखा देते हैं, देखिए कैसे करना है। एक सर्वो मोटर यहाँ साइड में लगेगी और यहाँ पे एक LDR और एक यहाँ पे LDR। जैसे जैसे ब्राइटनेस यहाँ पे अब लाइट पड़ेगी वैसे वैसे सर्वो रोटेट होगा। वीडियो हम दिखा देते हैं हार्डवेयर की, ये देखिए जैसे ये चल ऑपरेट हो रहा है तरीके देख सकते हैं। अब हम लोग सर्किट में चलते हैं। जैसे जैसे सर्वो LDR में वैल्यू जाएगी वैसे जैसे देखिए सर्वो मोटर आपकी रोटेट होती रहेगी। जैसे आप यहाँ पर अगर लाइट इस पे पड़ेगी, इस LDR पे पड़ेगी, इधर से LDR पे, तो सोलर ट्रैकर सोलर सोलर पैनल उस साइड हो जाएगा। जब ब्राइटनेस जब धूप इस पे पड़ेगी तो सोलर ट्रैकर इस साइड में आ जाएगा। ये देखिए ये ऑपरेट हो रहा है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। कोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्रैक्टिकल इसमें प्रैक्टिस करके आप हार्डवेयर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज लेना होगा, आप एक LDR ले लीजिएगा 2 पीस LDR, उसके बाद बाय करिएगा सर्वो मोटर है ये देखिए, और 10 किलो ओम रेजिस्टर लगेगा, 10 किलो ओम रेजिस्टर। यहाँ पास 10 किलो ओम रेजिस्टर को बाईपास करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और टर्मिनल 2 को हम लोग A0, A1 और सर्वो पर कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आप हार्डवेयर में क्या करेंगे, हम लोग कोड में जाएंगे, हार्डवेयर में सेम सर्किट कनेक्ट करके कोड को कॉपी कर लीजिएगा, इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा कि हमने कोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोड भी कॉपी कर लीजिएगा और इसमें पेस्ट करके कंपाइल कर दीजिएगा। कंपाइल करने के बाद कंपाइल हो जाए तो सिंपल आप टूल में जाइए, टूल में जाके कोड सेलेक्ट करिए और आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट करके फिर अपलोड पे क्लिक कर दिए, अपलोड हो जाएगा, इसको करिए। इसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोग डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकर बना देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।